गैंग वॉर से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजू के गैंगस्टर की हत्या की साजिश लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ही रची थी। रोहित गोदारा ने ही शूटर्स को हथियार उपलब्ध कराए थे। रोहित गोदारा एक शूटर मनीष जाट से संपर्क में था। मनीष जाट के जरिए ही इस शूटआउट को अंजाम दिया गया। यहां आपको बता दें कि रोहित गोदारा ने पवन नाम से पासपोर्ट बनाया था और बीकानेर से दुबई होते हुए अजरबैजान पहुंचा। पुलिस को शक है कि इस वक्त रोहित गोदारा इटली में मौजूद है। राजू चैट हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस गैंग के बदमाश ने ही ये हत्या करवाई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दे कि बदमाश रोहित गोदारा ने ही इस हत्या की साजिश रची। हमारे सहयोगी भवानी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भवानी, और क्या डिटेल्स इस खबर को लेकर? देखिए, जब ये राजू चैट की हत्या हुई उसी दिन रोहित गोदारा ने पोस्ट किया था और उस पोस्ट में ये जिम्मेदारी ली थी कि उसने हत्या करवाई। लेकिन अब जो इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी तौर पर ये सामने आ रहा है कि रोहित गोदारा ने मनीष जाट, जो ये पांच शूटर थे उनमें से एक मनीष जाट है, उसके संपर्क में था, हथियार उपलब्ध कराने का काम किया और इसके पीछे साजिश रचने का काम किया। रोहित गोदारा क्योंकि जब मूसेवाला हत्याकांड में इसका नाम आया उसके बाद में ये फरार हो गया, अजरबैजान चला गया, और क्योंकि अभी रोहित गोदारा की तलाश जयपुर पुलिस पहले से एक केस के अंदर कर रही है, तो अभी और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, आने वाले एक दो दिन में पूरे मामले में खुलासा हो सकता है। जी बिल्कुल, तो जांच जारी है और कई बड़े खुलासे आने वाले दिनों में इस हत्याकांड से जुड़े हो सकते हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक लड़के की बीच सड़क पर चलते हुए अचानक मौत हो गई। इस घटना का वीडियो दो रोज पहले सामने आया जिसके बाद इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि अचानक हो रही ऐसी मौतों का कोरोना से कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कोरोना ने लोगों का हार्ट कमजोर कर दिया और इसी वजह से लोगों की अचानक मौत हो रही है। यूपी के मेरठ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें चार लड़के एक गली में जाते दिखाई दिए, तभी उनमें एक लड़के को छींक आ गई। इसके बाद उसने अपने साथ चल रहे दूसरे लड़के के कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो अचानक सड़क पर गिर गया। बाद में अस्पताल में उस लड़के की मौत हो गई। इसी तरह वाराणसी में एक आदमी डांस करते वक्त अचानक गिरा और बाद में उसकी भी मौत हो गई। ऐसा ही एक वीडियो मध्य प्रदेश के कटनी से सामने आया था जिसमें एक आदमी की मंदिर में पूजा करने के दौरान मौत हो गई थी। और इन्हीं घटनाओं के सामने आने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि कहीं इसके पीछे कोरोना एक वजह तो नहीं है, क्योंकि पहले भी डॉक्टर इस बात को साफ कर चुके हैं कि कोरोना ठीक होने के बाद भी शरीर पर उसका असर लंबे वक्त तक बना रहता है। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि कोरोना का वायरस शरीर के कई अंगों को कमजोर कर देता है और दिल भी उनमें एक है। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि कोरोना के बाद हार्ट अटैक की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना की वजह से कई लोगों के दिल में सूजन आ गई थी जो कोरोना ठीक होने के साथ ही चली भी गई, लेकिन उसने दिल को बुरी तरह कमजोर कर दिया। दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि इसी वजह से कोरोना के मरीजों में हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ गई। कोविड के दौरान बहुत सारे पेशेंट को हार्ट अटैक होते हुए हमने देखे हैं। इसके साथ ही कोरोना और हार्ट अटैक के बीच कनेक्शन का पता लगाने के लिए और रिसर्च की जरूरत भी बताई गई। हालांकि दिल का दौरा पड़ने के कई मामलों में ये साफ नहीं हो पाया कि उन लोगों को कोरोना हुआ था या नहीं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने चीन में बने मोबाइल ऐप टिकटॉक को अमेरिका के लिए खतरा करार दिया और यह आरोप लगाया कि चीन इस ऐप के जरिए उसके नागरिकों का डेटा चोरी कर सकता है, क्योंकि टिकटॉक का इस्तेमाल करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में FBI को शक है कि चीन के इस ऐप के जरिए बेहद आसानी से अमेरिका के नागरिकों को निशाना बनाया जा सकता है और उनकी जासूसी की जा सकती है। यही वजह है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI को लगता है कि टिकटॉक से अमेरिका की सुरक्षा को खतरा है। FBI के मुताबिक इस ऐप का कंट्रोल पूरी तरीके से चीन के हाथों में है, इसलिए FBI को चिंता इस बात की है कि इसके जरिए चीन कई चीजों के डेटा में हेरा फेरी कर सकता है। अमेरिका का दावा तो यहाँ तक है कि दुनिया भर में चीन सबसे ज्यादा उसके नागरिकों का ही डेटा चोरी करता है। उधर मध्य प्रदेश के सतना में एक मोबाइल दुकान में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है जिसका वीडियो अब वायरल हो गया है, जिसमें एक दुकान के अंदर दो आदमियों के बीच बहस होते दिखाई दी। इस दौरान दोनों ओर से लगातार अपशब्द बोले जा रहे थे। बहस के दौरान ही दुकानदार उस आदमी को एक थप्पड़ मारता दिखा। हालांकि माहौल बिगड़ते देख दो आदमी आकर बीच बचाव करने लगे। मारपीट की यह घटना दुकान में मौजूद किसी स्टाफ ने वीडियो में रिकॉर्ड कर ली। बताया गया कि बाद में उस आदमी ने अपने कुछ दोस्तों को बुला लिया और दुकान के अंदर तोड़फोड़ की। एक तस्वीर में उसके दोस्त दुकानदार को थप्पड़ मारते दिखे और जमकर अपशब्द बोलते रहे।
वहीं इस दौरान दुकान के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई, जिसमें ज्यादातर आरोपी और उसके दोस्त थे, जो दुकानदार को लगातार अपशब्द बोलते और धमकी देते दिखे। इस दौरान दुकानदार ने दुकान का शटर नीचे गिरा दिया। वहीं दोनों ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गई है। बड़ी खबर दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा से मिल रही है, जहां पुलिस